श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज है 22 अगस्त और आज है सावन मास के पवित्र महीने का मंगलवार। देखो, मंगलवार का दिन होता है मंगला गौरी व्रत का। ठीक है, यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो कुछ विशेष उपाय करके आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 4 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। एक विशेषकर ऐसा उपाय है, गुड़ और आपको लेना है तुलसी जी के पत्ते, और आपकी जीवन की सारी परेशानियां, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। देखो, गुड़ का उपाय विशेषकर होने वाला है, इसीलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझना। आज ही के दिन आपको ये उपाय करना है। देखो, आज है सावन का मंगलवार, ठीक है, और अंतिम मंगलवार भी पूर्णिमा के दिन आएगा। सावन का जो पूर्णिमा जो 31 तारीख को है, तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो 2 दिन बचे हैं आपके पास सावन में, मात्र मंगलवार के मंगला गौरी व्रत वाले, और ये दोनों दिन में ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान से ये उपाय होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप आज के ये जो उपाय हैं इनमें से कोई भी एक उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन से कर्ज को उतार देंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना भी बड़ा कर्ज हो, कितनी भी बड़ी कर्ज की समस्या हो, कर्ज में व्यक्ति डूबा हो, सदैव चिंता में रहता हो, कर्ज होने पर पूरा परिवार कष्ट में आ जाता है, कर्ज की वजह से मान हानि होती है, पैसों की तंगी होती है, पारिवारिक कलह झेलना पड़ता है, आज के इस वीडियो में वो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय लाल मसूर की दाल का उपाय है। देखिए, क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना है, और साथ में आपको लेना है 7 या तो 11 लाल मसूर की दाल आपको लेना है। ठीक है, 7 ले लें, 7 ले लें, या तो 11 ले लें। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और ये 7 लाल मसूर की दाल जो है वो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि मेरा ये जो कर्ज है ये सब उतर जाए। आपने जिससे भी कर्ज लिया है, चाहे बैंक से लिया हो, चाहे किसी व्यक्ति से लिया हो, चाहे किसी परिवार वाले व्यक्ति से लिया हो, उसका स्मरण करना, और कितना देना है उसका स्मरण करना कि इतना मुझे देना है, आपकी कृपा से ये सारा कर्ज उतर जाए, ऐसी आपको मनोकामना करनी है। और ये 7 लाल मसूर की दाल ऋण मुक्तेश्वर महादेव का 108 बार नाम लेकर के, ये 7 चने की दाल या तो 11 चने की दाल जो है आपको महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। आगे आपको बस में ध्यान रखना बहुत भाव से कि ये मेरा कर्ज आपको ही उतारना है, मैं आपके पास आया हूँ और आपको मेरी सहायता करनी है, इस प्रकार से आपको कामना करते हुए ये अर्पित कर देना है। और अंत में 1 लोटा जल जो गुड़ मिश्रित जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए, ये जो उपाय है आपको मंगलवार के दिन करना है। लगातार 5 मंगलवार आप ये उपाय करके देखिए, निश्चित ही आपका जो बोझ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब दूसरा उपाय, ये उपाय भी बहुत ही खास है। आपको क्या करना है, मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये गुड़ का टुकड़ा तांबे के पात्र के अंदर आपको डालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये पात्र जो है आपको ले जाना है कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपकी भूमि से जुड़ी हुई है, यानी कि यदि आप कोई भूमि बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रही है, यदि आपने किसी भूमि पर कर्ज ले रखा है, भूमि के ऊपर ऋण ले रखा है, तो अगर आपका वो उतर नहीं रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर ये आपको बात समझ में, यानी कि आपने कोई खेत है आपका और उसके ऊपर आपने लोन ले रखा है तो वो अगर उतर नहीं रहा है, या तो आपने घर पर लोन ले रखा है वो उतर नहीं रहा है, यानी कि भूमि संबंधित आपने जो ऋण ले रखा है तो उसको उतारने के लिए आपको ये उपाय करना है। ये भी उपाय लगातार 5 मंगलवार करना है। गुड़ मिश्रित जल कड़वे नीम की जड़ में आपको डालना है, और जब आप ये डालेंगे तो आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। ये जल अर्पित करते समय मंगल देव से प्रार्थना करें, भूमि से जुड़े कोई भी समस्या हो वो सब दूर हो, विवाह संबंधित कोई भी परेशानियाँ हो वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और अंत में जो जल आप अर्पित करेंगे तो मिट्टी जो है वो गीली हो जाएगी, तो उस मिट्टी को आपको हाथ लगा करके अपने मस्तक पर लगाना है ताकि आपके जीवन का ये जो भार है ये उतर जाए। तो इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा उपाय, आपको क्या करना है, मात्र 1 पान का पत्ता लेना है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। देखिए, पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था।
तभी से ये पत्ता बहुत ही शुभ होता है, तभी से इस पत्ते को बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में पान का पत्ता जरूर ही शामिल किया जाता है। देखिए ज्योतिष शास्त्र और उपायों में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। अगर आप कर्ज से बुरी तरह डूब चुके हैं, यदि आप कर्ज में बुरी तरह डूब चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, एक पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद लगाना है जो कि आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करता है। ठीक है, उपाय करने से पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, और ऐसा साफ सुथरा पान का पत्ता लेना और पत्ते की जो नीचे की डंठल होती है ना उसको आपको निकाल देना है। ठीक है, हरे रंग का ताज़ा पत्ता आपको लेना है और साथ में इस पत्ते के ऊपर चिकनी वाली साइड के ऊपर, ये उपाय आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने करना है। क्या करेंगे, पत्ते के ऊपर शहद लगाएंगे, शहद के ऊपर आपको दो लौंग रखनी है और साथ में एक इलायची रखनी है, और इसको आपको मोड़ करके इसका बीड़ा बना देना है, और इसे आपको शाम के समय, मंगलवार के दिन शाम के समय बीड़ा बना लेना है और हनुमान जी के वहाँ पर आपको मंदिर में आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी विपदा है, बड़ी से बड़ी समस्या है जो कई दिनों से दूर नहीं हो पा रही है, इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को ज़रूर करना, 5 मंगलवार करके देखो। जब आप ये उपाय करेंगे तब आपको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का आपको पाठ करना है, अगर वो नहीं आता है तो आप हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपका कर्ज निश्चित ही दूर होता है, आपको 5 मंगलवार लगातार ये उपाय करना है। अब देखिए चौथा उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है, मंगलवार के दिन आपको 9 तुलसी जी के पत्ते आपको तोड़ लेना है, 9 पत्ते आपको तोड़ना है और साथ में आपको लेना है 11 लौंग। बहुत ध्यान से समझना, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन शाम के समय करना है, और एक मौली का धागा लेना है। अब आपको क्या करना है, एक लौंग लेना है, उसे गठान बांधना है, फिर उसके बाद एक तुलसी जी का पत्ता लेना है, उसकी एक गठान बांधना है। इस प्रकार से आपको 9 पत्ते लगाने हैं और 11 लौंग लगानी है, यानी कि लौंग फिर पत्ता तुलसी जी का, फिर उसके बाद लौंग फिर पत्ता, इस प्रकार से आपको ये माला तैयार कर लेनी है, और उसके बाद हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, और उसके बाद मंगलवार के दिन ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहाँ पर कम भीड़ आती हो, और वहाँ पर आपको ये हनुमान जी को माला के रूप में आपको अर्पित करवा देना है। इस प्रकार से अर्पित करवाने से आपके जीवन में जो भी कर्ज है वो सब निश्चित ही दूर होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है हनुमान, ये सबसे कारगर उपाय है निश्चित तौर पर। अगर कोई उपाय काम करे या न करे, ये उपाय तो आपके जीवन के सारे संकट को हरने में सक्षम ही है। ये उपाय लगातार 7 मंगलवार करना है। अगर आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो ये उपाय जो है घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं, ये चारों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।